आयो खाना खा लो। तो वही बोले अब बोलो अब हमें मौसम बड़ा दीवाना कर दिया अल्लाह सुभान ताला ने। लाए खाने उसको जरा नजारा देखा वो भाई लो लोई बना दिया अल्लाह ताला ने। अब हम ताज होटल है और क्या है अब बोल ये हमारे बड़े भाई है मैन होटल है ताज होटल है मैन होटल है हम इसका और बढ़िया है चिपली कबाब है मुर्गी है और खीर है मजा बन गया अब तो मामला डिसमिस हो गया नहीं तो जब आए थे प्लेट तो बड़ी सजी भी आई थी बड़ी सजी भी आई। भाई अगर किसी को खमीस आना हो तो सबसे पहली चीज़ ये आओ यहाँ पर कश्मीरी में आए तो मैं यहाँ तो पाकिस्तानी खाना बड़ा ज़बरदस्त बना रखा है। अच्छा यार टाइम ही नमक अगर सेकेंड टाइम हम आए तो यहाँ का खाना खाए बगैर भाई जाना नहीं। एड्रेस आपका अल्ताफ मॉल है बिल्कुल अपोजिट साइड में तुम्हें मिल जाएगा सारी ड्राई में खाने मिल जाएंगे बिरयानी मिल जाएगी। मैं तो पूरा खाना बनवा के लेगा और सारे हर तरीके का खाने के कबाब भी ये भी और सबसे मेन चीज़ जो है मस्त मिलेगा पूरा बकरा ले तो नहीं चाहता पहले तो हम अच्छे लग रहे लेकिन अब पैसे देने तो तारीफ करो उसकी कल तो मौसम सही होने रहा था आप सबने देखा था गर्मी हो रही थी लेकिन आज अल्लाह ने इतना मौसम सेट कर दिया कल निकलने वाले थे लेकिन काम की वजह से हम हो गए लेट लेकिन अब जो बारिश पड़ी है वो नज़ारा है। लो जी यहाँ से काफ़ी कम निकल गया अब देखेंगे जो भी होगा जहाँ भी होगा जहाँ जाना लेकिन ये होगा भाई मामला आने का सेट हो गया। रात को बिजनेस में हम जो भी हमें मीटिंग करनी थी वो हो गई मतलब बिजनेस मीटिंग नहीं इतना लंबा चौड़ा वर्ड नहीं बोल रहा लेकिन आए किसी काम से खास तौर से रात वो काम हो गया और अब खा पी के अपना गेयर मारेंगे चच्चा अपना वादी को चलेंगे। निकल चुका है वापस हम वादी के लिए जो काम करना था यहाँ हो गया लेकिन अल्लाह ने ऐसा उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम करवा दिया। बाकी जो प्लानिंग थी रात में हमारी वो हो गई पूरी जिसके मसले से हम आए थे वो हो गया पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। हो सके इसी वजह से भेजा था हो सके फिर से आना हो यहाँ इंशाल्लाह जल्दी क्योंकि बताया जाएगा वो आगे जुड़ रहूँगा इंशाल्लाह पता चलेगा किस रीज़न से हम यहाँ आए थे या क्या क्या चीज़ें आने वाली नहीं लेकिन अल्लाह ने और भी काम बहुत अच्छे अच्छे ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन भाई जो तुमसे वादा कर रहा था कि भाई जबल सुदा में जाएंगे वो हम जा नहीं पाए क्योंकि हमें यहाँ का पता चल गया कि उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल गया है क्योंकि एक घूमने फिरने की जगह है लोग ज़्यादा आते हैं तो इस अभी भी सऊदी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं न्योम प्रोजेक्ट हो गया आलू उलू प्रोजेक्ट हो गया बहुत चल रहे हैं 8-9 चल रहे हैं प्रोजेक्ट क्योंकि ये टूरिस्ट रीजन बनाना चाह रहा है सऊदी को जी जैसे दुबई है ना एक हब बन चुका है एक टूरिस्ट के लिए वैसे ही ये भी बनाना चाह रहा है बन रहा है बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं एक से एक टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें ला रहा है। तो अब यहाँ के अंदर जो है ना जबल सुदा तो बहुत नहायत ही खूबसूरत जगह यानी आदमी आए बैठे फैमिली के साथ बड़ा सुकून का इलाका है लेकिन अभी काम चल रहा है वहाँ पर तो इसकी वजह से हम जा नहीं पाए वहाँ पर लेकिन इंशाल्लाह बता रहे हैं भाई ने बताया हमें कि 2-3 महीने के अंदर ओपन हो जाएगा हो सके अगले नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाए क्योंकि भाई टूरिस्ट रीज़न है ज़्यादा लंबा बंद रखेंगे तो इनको भी नुकसान है क्योंकि अर्न होता है भाई कमाई होती है उनकी वैसे तो कोई टैब वो नहीं है जैसे अपने यहाँ के तुम घूमने चले जाओ कहीं ताजमहल देखने चले जाओ कुतुब मीनार देखने चले जाओ वहाँ पर एक फ़ीस है पर्टिकुलर कि तुमसे फ़ीस ले लेंगे वो 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये जैसे भी है साहब फिर आप अंदर जा सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कोई फीस का चक्कर नहीं है कोई वो नहीं अपना आओ कि जितना मर्जी चाहे रहो सब गए आ गए काफ़ी दूर हवा कमीज से निकलते हुए अभी भी पहाड़ियाँ हैं बहुत लंबा मामला चला गया पहाड़ियों का तो
चाचा का सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि चाचा को ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ठंडा मौसम हो रहा था। ऊपर से रात में जो हमारे भाई साहब थे उन्होंने एसी चला दी, उन्होंने एसी में सोने का था, ठंड होने के बावजूद एसी चलाते हैं। तो अब रुके हुए हैं इधर, डीजल चल रहा है गाड़ी में और चाचा अंदर से चाय ले रहे हैं। लेकिन सबसे मेन बात जो है वह मताम है, एक मताम यानी जो रेस्टोरेंट टाइप बोलते हैं मताम को, उसका नाम जो है मुझे बड़ा यूनिक लगा। उसका नाम खुद देखो अगर और अरबी किसे पढ़नी हो, मताम मजाक मसरी। साले मजाक बना के रख देंगे साले यूपी वाले तेरी, यहाँ मताम मजाक मसरी। अच्छा यो मजाक की चाय कैसी लगी तुम्हें? मजाक की चाय मजाक कैसी है, मतलब चाय में मजाक बना दिया। होटल का नाम है मजाक वाला हो यार साले, मजाक मजाक ना इन्हें करवाना चाहिए था तुम्हें, क्या बेवकूफ बनाया मताम बेवकूफ बनाया। पहला होटल देखा मैंने। अबे यार हम इतना आ गए अब वापस जा रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हें ट्रोला नहीं देखा, पूरी सारी गाड़ी भर गया कैसा लगता। तो ये देखो चाचा का ट्रोला, ट्रोला चाचा तो की साइड हटो जल्दी वहां से हटो चचा तो फिर जल्दी वहां हटो। अभी भी लगभग मगरिब का वक्त हो गया और जा रहे हैं। अभी चचा ने बोले क्या लाइट खराब हो, मैंने कहा बड़ी एंटीक गाड़ी है तुम्हारी, तो मतलब एक लाइट जल्दी बंद हो गई तो एकदम नोटिफिकेशन आ गई इस पर, ये देखो उस पर लिखा हुआ चेक करो, ये चेक करेंगे हमारा चचा कोई हुआ हुआ एरिया जो भी है। हाँ जी चाचा साहब क्या कर रहा हो तुम, कैसा बल्ब है दिखाइयो। बल्ब जो है ये 65 रियाल का है और हमारे पास एस्ट्रो रहते हैं दो तीन बल्ब। ये भाई साहब 65 रियाल के हैं ये भाई साहब, अपने यहाँ इंडिया में 200 रुपए के छाट ठा लो, एक से एक गारंटी आता 6 महीने की। ये लूट रहे हैं सब, ये सब मिल के हमें पागल बना रहा है ये साले पागल के बच्चे। लो जी भाई साहब गया हम यहाँ पे गाड़ी के, इसका ट्रोल की लाइट खराब हो गई थी लेफ्ट वाली तो उसके लिए रुक गया था, चचा ने सही कर दी, ये वाली खराब हो गई थी इसका बदल दिया। बड़ा सिंपल सा मेथड था, पीछे से ढक्कन खोला था तो बदली क्लास, लेकिन चचा ने यार बड़ी खतरनाक जगह रोकी, बिल्कुल खंडर में आग ला के गाड़ी रोक दी। देख रहा हूँ हाँ कुछ खतरनाक एरिया लग रहा है, कुछ निकलिया खुदा ने खास था वो तो हमसे डर के भग जा, जितनी तेज स्पीड से निकल गया डरना उससे तेज स्पीड से वापस जाऊँगा देख लिया है चाचा, मैं खुदा ना खास था इधर से जिनविन निकल गया हमें देख के तो बड़ी तेज भागेगा। अरे क्या देख लिए देखो